हेलो गाइस, क्या हाल चाल, कैसे आप सभी लोग और गाइस, स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। और मैं यहाँ पे लेके आ चुका हूँ आपके लिए एक और नया एपिसोड गाइस, आर्क सर्वाइवल लेवल का, आर्क प्राइमल फियर हार्डकोर का। सो गाइस, आर्क प्राइमल फियर हार्डकोर के पिछले एपिसोड में आप सभी लोगों ने देखा होगा कि फाइनली नोवा रिवेंज की बैंड बजा के हम लोग ने उसकी सबसे पावरफुल वाली जो गन है वो हासिल करी थी। और इससे मैंने लिटरली इस गन की मदद से ओरिजिन्स को पेलम पाल देने का काम जो है ना गाइस वो करा था। और गाइस अभी आज का ये वाला जो एपिसोड है ना, इस वाले एपिसोड में हम लोग क्या करने वाले हैं, सो आज का ये वाला जो एपिसोड है, इस वाले एपिसोड में हम लोग मचाने वाले और भी ज्यादा तबाही। क्योंकि गाइस आज के इस वाले एपिसोड में देखो, नोवा रिवेंज तो मर गया बट हमारा एक और बॉस गाइस यहाँ पे अभी तक बचा हुआ है। वो बॉस कौन सा है बताता हूँ आपको, लेकिन उससे पहले जो भी नए बंदे हो गए यार चैनल पे, फटाफट से गाइस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना गाइस। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आपको गेमिंग विद एनी और हमारे व्लॉगिंग चैनल की, सो दोनों चैनल को जरूर से चेकआउट कर लेना गाइस। हमारा सुपर थैंक्स का ऑप्शन जो है वो अनलॉक है। अगर आप लोग चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो लाइक शेयर और डिसलाइक के साइड में जो थैंक्स का बटन है उसके ऊपर क्लिक करके आप लोग चैनल को सपोर्ट कर सकते हो। बाकी अगर आपको आर्क पीसी, आर्क मोबाइल या किसी भी मोबाइल या पीसी गेम के सर्वर बनाने तो नीचे निट्राडो का लिंक है। निट्राडो पे आप लोग किसी भी मोबाइल या पीसी गेम के सर्वर आसानी से बना सकते हो, तो जरूर चेकआउट कर लेना निट्राडो सर्वर्स को गाइस नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से। सो चलिए मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज का ये वाला जो एपिसोड है गाइस प्राइमल फियर हार्डकोर का वो शुरू करते हैं। और देखो गाइस, हम लोग ने नोवा रिवेंज बॉस की बैंड तो गाइस यहाँ पे बजा दी, बट गाइस क्या ना बताई, यहाँ पे अभी तक एक और पिकॉन रिवेंज बचा हुआ है जो कि द एंड गेम वाला फाइनल बॉस जो है ना गाइस माना जाता है। नोवा रिवेंज की बैंड हम लोग ने बचा दी, अभी हम लोग को पिकॉन रिवेंज जो है ना गाइस इसको यहाँ पे हरा देना है। और इसको हराने के बाद यहाँ पे प्राइमल फियर का हो जाएगा द एंड एंड इज द ब्रो। सो गाइस देखो, हमारी पूरी की पूरी आर्मी नोवा रिवेंज को मारने के चक्कर में टिल चुके हैं। अभी हमारे पास बाबा जी का टुल्लू खाली बचा हुआ है, कोई डायनो जो है ना गाइस वो बचा ही नहीं है। सो इसलिए गाइस आज का ये वाला जो एपिसोड है, इस वाले एपिसोड में मैं सोच रहा हूँ कि गाइस हम लोग यहाँ पे एक और आर्मी बनाए। अभी आर्मी कौन से डायनो की बनाएंगे आपको बताओगा गाइस, कि हमारे पास डिमोनिक पैरासोरस है और डिमोनिक पैरासोरस भी काफी पावरफुल डायनो है। सो मैं सोच रहा था क्यों ना गाइस आज के इस वाले एपिसोड में हम लोग जाके डिमोनिक पैरासोरस की जो आर्मी है गाइस वो बनाने का काम कर ले, और उस आर्मी से हम लोग जो है ना गाइस पिकॉन रिवेंज को मारने का काम करेंगे। हाँ बट ऐसे आर्मी को हम लोग लेके नहीं जाएंगे, हाँ ठीक है। अपन लोग जो है ना गाइस उन लोग की लेवल अप तो करेंगे बट साथ में इम्प्रिंट भी कर डालेंगे। 14 की बल बन रहे, अरे यार मैं जो बेरी की कमी हमेशा की तरह, वाह भाई वाह, रुको गाइस एक मिनट रुक जाओ, मुझे ना इसके अंदर ट्रैकर डाल रखा है, मुझे ना फटाफट से यहाँ पे काफ़ी सारा मेजोबेरी इकट्ठा करने दो, फिर मैं जाता हूँ वो डिमोनिक पैरासोरस की एक बड़ी सी आर्मी पकड़ने का काम जो है ना गाइस वो आज अपन लोग यहाँ पे करने वाले भाई, ठीक है। एक बहुत ज़्यादा बड़ी वाली आर्मी गाइस अपन लोग पकड़ेंगे। लैग हो जा, ओके हो गया, लेकिन ठीक है भाई, चलो डैमेज तो बड़ा मेरे को, लेट्स गो। अभी यहाँ पे डाल दे भाई अपने टैंक को, और टैंक भाई मेजोबेरी इकट्ठा कर ले भाई, 500 मेजोबेरी चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए गाइस, ठीक है भाई। अभी सीढ़ी इकट्ठा कर रहा है क्या, नहीं मेजोबेरी भी इकट्ठा कर रहा है, लेकिन ग्लिच के कारण वो दिखाई नहीं दे रही है कि मैं मेजोबेरी भी इकट्ठा कर रहा हूँ, सीढ़ी दिखाई दे रही है। चलो नो प्रॉब्लम, काम 25 हो जाएगा अपना, ठीक है। मेजोबेरी अपनी इन्वेंट्री में आ जाएगी अपने आप, टेंशन लेने वाली जो बातें ना गाइस वो ये नहीं भाई यहाँ पर, ठीक है। अपनी पूरी की पूरी मेजोबेरी जो ना गाइस वो यहाँ पे खत्म हो चुकी थी, सारी की सारी मेजोबेरी जो ना गाइस वो स्वाहा टाटा बाय बाय गुड बाय हो गई थी। कितनी हो गई मेजोबेरी बताऊं, वदल ये सच में बस खाली सीढ़ी इकट्ठा कर रहा था क्या अभी तक? ए भाई क्या कर रहा है तू, मुझे लगा कि इस ग्लिच भी हुआ है, बड़े सच में भाई सीढ़ी इकट्ठा कर रहा था। हेलो अंकल, व्हाट आर यू डूइंग है भाई? ठीक है भाई ये कर लो पहले तुम, चलो गाइस मुझे भाई मेजोबेरी इकट्ठा कर रहे हो, 500 हो गई ना, और चाहिए भाई और चाहिए, क्योंकि गाइस मैं टोटल ना चार डिमोनिक पैरासोर को जाके पकड़ूंगा।
सो 5 डिमोनिक पैरोसोरस की अपनी आर्मी जो है ना जो रेडी हो जाएगी। और गाइस जो पिकॉन रिवेंज है ना वो बस उतना पावरफुल नहीं है, और ना ही उसके मरने के बाद ना कोई और पावरफुल सा डायनो या बॉस दूसरा वाला स्पॉट हो जाता है। तो हम लोग को डरने की जो ना कि उतनी ज़्यादा कोई जरूरत है नहीं। चलो हम लोग घर पे चलते अपने टैंक को लेके और फटाफट से जो बचे हुए केबल्स है उनको बना के निकल लेते हैं टेमिंग पे भाई। ठीक है, हम लोग को भाई यहाँ पे डिमोनिक पैरोसोरस की एक आर्मी बना लेनी है। वो डिमोनिक पैरोसोरस के तो जलवा आप लोग भाई पिछले एपिसोड में देख ही चुके होंगे कि कितना पावरफुल है डिमोनिक पैरोसोरस। और इसके आर्मी का जलवा मैं आप लोग को जो है ना कि इसके आर्मी को इवॉल्व करने के बाद ही दिखाऊंगा। ठीक है, डिमोनिक वाले कितने केबल बनाने और 10 और केबल से काम बन जाएगा। 14 है ना, 25 चाहिए, 11 और भाई 11 और। ठीक है चलो भाई, 11 और केबल गाइस यहाँ पे बन रहे भाई। ठीक है चलो, डन 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 डन, यहाँ पे केबल जो है ना गाइस वो बनने दो। ठीक है, जितने केबल बने उतने में ले लेता हूँ। और हम लोग जो है ना गाइस, यार ये फालतू में मिड बिड क्यों है मेरे इन्वेंटरी में भाई, ये फालतू का मिड बिड भाई सारा फेंकने दो मुझे, अभी तो फिलहाल के लिए किसी काम का नहीं है। ठीक है ऑलराइट, और ब्लूप्रिंट कितनी है, एक भी नहीं है ना। ठीक है चलो, केबल्स कितने बन गए भाई, मेरे हिसाब से तो बन चुके होंगे। मेरे हिसाब से डिमोनिक केबल तो नहीं बने भाई, कितने बने उतने उठाने दो मेरे को, ये 4 और उठा लिए, 20 हो गए ना, 20 से काम तो बन जाएगा। देखता हूँ, चलो मुझे डिमोनिक वाले पैरासोरस की आर्मी बना लेनी है गाइस। ठीक है, एकदम खतरनाक और पावरफुल वाली डिमोनिक पैरासोरस, डिमोनिक पैरासोरस। अबे हेलो, डिमोनिक पैरासोरस का नामो निशान ही नहीं है, मैं डिमोनिक पैरासोरस की गाइस आर्मी बनाने के लिए चला था, बट इनके भाई पूरे के पूरे आर्मी का नामो निशान यहाँ से गायब है गाइस। ठीक है भाई, ये कर लो पहले, इविल डियोडॉन काम नहीं आएंगे यार। क्योस वाला क्या क्या बताओ, क्योस वाला क्या, क्योस ड्रैगन 180 लेवल नहीं चाहिए यार मेरे को। स्पिरिट वाला क्या बताऊँ, स्पिरिट वाला स्पाइनो नहीं यार, काफी लो लेवल के डायनो। एक काम कर लेता हूँ गाइज, मैं ना डायनो वाइप मार देता हूँ। ठीक है, पुराने वाले सारे डायनोज गायब और नए वाले डायनो आ जाएंगे। सो डायनो वाइप मार देता हूँ, उसके बाद उम्मीद कर रहा हूँ कि डिमोनिक पैरासोरस जो है ना गाइज वो यहाँ पे स्पॉन हो जाए। अभी तो सारे के सारे डिस्ट्रॉय हो चुके, और लगभग मैंने कितने हो गए भाई, लगभग एक महीना होने को आया है, अपन ने डायनो वाइप नहीं मारा है। सो डायनो वाइप मार देते हैं, उसके बाद गाइज अपने जो डायनो से उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ पे स्पॉन हो जाए वापस से भाई। ठीक है फिर रुको गाइज, डायनो वाइप मार के हो चुके यहाँ पे 15 से 20 मिनट, और अभी मैं जो है ना केबल भी बन चुके होंगे। वो केबल जो है ना गाइज फटाफट से हम लोग सबसे पहले यहाँ से उठा लेते भाई। ठीक है, जो हमारे केबल है वो यहाँ से उठा लेते हैं, एंड उसके बाद सीधा हम लोग निकल जाते गाइस यहाँ पे। डिमोनिक पैरासोरस अगर स्पॉन हुए सो उनके आर्मी जो है ना गाइस वो टेम करने के लिए। ठीक है भाई, यहाँ पे डालते पैरासोरस भाई, पैरासोरस आए क्या, वो आ चुके गाइस, डिमोनिक वाले पैरासोरस गाइस स्पॉन हो चुके हैं। 480 480 450 450 350 350, वाह, हर एक दो दो की जोड़ी आई, 480 के दो, 450 के दो, 350 के दो, वाह भाई वाह। ठीक है, मुझे उसमें से ना भाई ये हाई लेवल के जो 4 ऊपर वाले पैरासोरस है वो यहाँ पे चाहिए। सो फटाफट से गाइस चलते हैं इनके पास, और यहाँ पे इन भाई सारे पैरासोरस को टेम करके अपनी जो है ना पिकॉन रिवेंज को मारने के लिए एक बड़ी सी आर्मी जो है ना गाइस वो बना देते हैं भाई। ठीक है, आ जाओ चलो, किसको लेके जाओ, मैं ग्रिफिन को लेके चलते हैं। केओस वाइवरन को कौन लेके जाएगा, केओस वाले ग्रिफिन को लेके चल ले भाई, केओस डोडो वाइवरन। अरे लो वद्देल, मेरा ग्रिफिन कहाँ पे, केओस वाला ग्रिफिन भी मारा जा चुका है क्या। अच्छा ये रात हो गया, वॉज ग्रिफिन यहाँ पे खड़ा है, और मैं इसको उधर उधर इधर उधर ढूंढ रहा हूँ भाई। ठीक है, और गाइस डिमोनिक वाले मैक्सिमम डायनोस कहाँ पे मिलते हैं गाइस भाई, डेजर्ट भाई, और आइस वाले डायनो आइस वाइब में। चलो भाई ठीक है, चलो आ जाओ, पहली लोकेशन क्या है भाई, 6871। मेरे हिसाब से ये लोकेशन सामने की तरफ ही है, ठीक है ज़्यादा दूर नहीं, 6871। चलो गाइस फटाफट से अपने पैरासोरस की किलर आर्मी बनाते, किलर आर्मी भाई, बॉस किलर भाई। अरे थोड़ा सा आगे चला गया लग रहा है, 6871 ना, बस यहाँ पे कहीं पे देख ले, यहाँ पे नहीं लग रहा है, 6871, थोड़ा आगे चल। ये रहा डिमोनिक पैरासोरस, ठीक है इस डिमोनिक पैरासोरस को नज़दीक जाके एक पट्टे से हेडशॉट मारेंगे, उसके बाद आसमान की ऊंचाई पे उड़ेंगे ताकि भाई अपना अटैक मेरे ऊपर ना कर सके। 3.6 मिलियन गाइस इसका टॉर्पर है, इसको दे दिया है गाइस मैंने यहाँ पे ओरिजिन वाला ट्रैंक आरो सीधा पेट के अंदर। अभी गाइस ये हो जाएगा यहाँ पे नॉकआउट, जैसे नॉकआउट हो जाएगा भाई 3 केबल चाहिए ना, 3 केबल खिला के तुरंत ही डेम कर लूंगा। मैंने शायद से ज़्यादा केबल बना लिए, क्योंकि गाइस मुझे जरूरत तो थी खाली 3 केबल की,
बट मैंने जो ना गाइस यहाँ पे तीन मतलब चार को अगर टेम करना है तो भाई 12 की बल की जरूरत थी, बट मैंने 26 बना लिए गाइस। ठीक है चलो कोई ना भाई, कोई ना, नो प्रॉब्लम हो। ये तीन के बल हो गए, ये पैरासोरस भी नॉकआउट हो गया। चुपचाप अभी बैठ जाता हूँ यहाँ पे। ये भाई कोई अटैक नहीं करना मेरे ऊपर, मुझे बता ना मेरा क्योस वाला ग्रिपिन पैसिव है या न्यूट्रल है। भाई सीधा भाई उल्टा अटैक कर देगा और बैंड बच जाएगी। ये ले, मैं टेमेल पर खिला रहा हूँ, इसको टेमेल पर डालने की जरूरत ही नहीं थी। तो गाइस 719 लेवल का एक पैरासोरस, अपने आर्मी वाला पैरासोरस जो ना गाइस वो अपने पास आ चुका है। बॉस किलर आर्मी का सेकेंड डायनो यहाँ पे टेम हो चुका है। अभी बताओ अगला वाला डायनो 7981। ओके यही पे है, अच्छा नहीं 7981। ठीक है भाई आगे की तरफ जाना है मुझे, काफ़ी ज़्यादा आगे की तरफ जा रहा है। 7981 ना, 7981। ठीक है 81 पे मैं पहुंच चुका हूँ और 79 पे इधर साइड में कहीं पे, नहीं इधर। ठीक है बस रुक जा, कहाँ पे भाई, ये रहा गाइस अपना भाई एक और पैरासोरस भाई। ठीक है इसको भी सिम ऐसे ही जाएंगे और पट्ट से मार के आसमान की ऊंचाई पे पहुंच जाएंगे। और इसको भी टेम करने के लिए मुझे खाली 3 ही के बल चाहिए। अबे इसको क्या हो गया, स्टैचू हो गया लग रहा है, हिल नहीं रहा अपने जगह से। चलो कोई ना, इसको बस मुझे 3 की बल खिला देने। ठीक है और इन पैरासोरस के लिए ना एक असेंडेड वाला सैडल भी गाइस मुझे बना लेना है। ठीक है एकदम तगड़ा वाला असेंडेड सैडल बनाना है। वो थ्रूनी ड्रैगन को चुल देख रहे हो क्या मच रही है। ए भाई हेलो, क्योस इफेक्ट के बारे में सुना है भाई, इसका उसकी डैमेज इफेक्टिवनेस कम करने के पीछे पड़े। बताओ काटे बीटे फेंक रहे भाई उसके ऊपर लाड़ में, भाई पेल दिया सारे थ्रूनी ड्रैगन को। तो कोई पानी के अंदर बेहोश हुआ है, सो फटाफट से पानी के अंदर मैं इसको खिला देता हूँ 3 की बल और ये हो जाएगा टेम। ठीक है गाइस थर्ड डायनो, हमारे आर्मी का तीसरा डायनो यहाँ पे रेडी। अभी और 2 डिमोनिक पैरासोरस को पकड़ रहा है। बाकी आपको क्या लग रहा है गाइस, डिमोनिक पैरासोरस की आर्मी पिकॉन रिवेंज को मार पाएगी? ओह शिट 8376 क्या हुआ बताएं मुझे। अभी जस्ट एक चीज़ याद आई, वो चीज़ क्या है मैं बताता हूँ, रुको पहले आर्मी बना दो। 8670 क्या है लोकेशन 8376 यही कहीं पे होना चाहिए। ये रहा कोई एक और, बाप रे ये तो मौत के मुंह के अंदर है भाई। तो ये तो मौत के मुंह के अंदर भाई। हेलो ये कौन उंगली कर रहा है भाई थ्रोनिया ड्रैगन लाड में आ रहेगा। रुको गाइस जरा थ्रोनिया ड्रैगन को चुम्मी दे के आने दो, बकते है इसके उंगली करता है। काई को आ गया रे बाबा, ये कहाँ से आ गया यहाँ पे। ठीक है अबे यार इसके पीछे अभी भाई, नहीं यार मत ना यार उसे पीछे ना पड़ो भाई। मार दिया उसने, मैं उसको बचाने जा रहा था बट उसको बचाने की जरूरत नहीं लग रहा है। ठीक है खुद ही भाई काफी है यहाँ पे अकेला भाई। इसके पीछे पेंगुइन्स पड़े हुए थे, उनको जला के खाक कर दिया भाई पैरासोरस ने। और अभी बस यहाँ पे उसका टॉर्पर चढ़ गया, अभी अटैक नहीं करेगा मेरे ऊपर। चढ़ गया जिसको टॉर्पर भाई, क्या अटैक करेगा क्या? अरे ना रे बाबा तू अटैक नहीं कर पाएगा अभी। अब ये चुपचाप जो ना यहाँ पे बेहोश हो जाएगा गाइस। ठीक है हो गया बेहोश, हो जा भाई 3 की बल तेरे लिए भाई, निकाल के रख देता हूँ साइड में, रुक 3 की बल ये हो गए 3। ठीक है डाल दो 3 की बल इसके अंदर और सीधा डिमोनिक पैरासोरस ये अपने पास भाई। ये चौथा डायनो गाइस अपने आर्मी का, फोर्थ डायनो गाइस। ठीक है फोर्थ डायनो ले बेटा डन। और गाइस मैं ना यहाँ पे एक मिनट रुक जाओ, पहले इन भाई प्राइमल वालों को भाई थोड़ा सा चुम्मी देके प्राइमल ब्लड इकट्ठा करने दो। यहाँ पे सीन क्या है पता है, जो अपना पिकॉन रिवेंज बॉस है इसके सामने ज़्यादा बड़ी आर्मी गाइस हम लोग लेके नहीं जा सकते, क्योंकि पिकॉन रिवेंज बॉस जैसे ही स्पॉन होगा सबसे पहली चीज़ वो ये करेगा कि वो हमारे जो भी डायनोज होंगे उनके कॉपी बना लेगा। और पिकॉन रिवेंज से लड़ना छोड़ के हम लोग को उन कॉपीज से लड़ना पड़ेगा सबसे पहले। सो इसलिए ना 7783 इसलिए जो है ना गाइस यहाँ पे जितनी कम मतलब छोटी सी भाई आर्मी लेके जानी, बड़ी आर्मी लेके नहीं जानी मेरे को, बस यहीं पे कहीं पे। ठीक है जितनी कम आर्मी होगी उतना हमारे लिए जो है ना गाइस फायदेमंद रहेगा। ज़्यादा बड़ी आर्मी लेके जाएंगे सो कुत्ते की मौत अपने आर्मी से मारे जाएंगे गाइस हम लोग। ठीक है इसलिए मैं वैसे सोच रहा था कि मैं अपने पास अभी किबल पड़े हुए सो थोड़े से और डिमोनिक वाले डायनोस को टेम करूंगा, बड़ी सी आर्मी बनाऊंगा। बट जितनी बड़ी आर्मी ना गाइज उतना ज़्यादा फायदा उस बॉस का ही होगा, क्योंकि वो कॉपी बनाएगा और हमारी कॉपीज का डैमेज हेल्थ एग्जैक्टली जितने भाई हमारे पावरफुल डायनोस होते ना उतने पावरफुल कॉपी कैट भी डायनो होते हैं। बट उनके पास सैडल नहीं होता, अपने पास सैडल होता है।
बट वो भी बर्निंग डैमेज देंगे और उससे बच पाना थोड़ा सा मुश्किल तो होगा। इसलिए गाइस पांच ही पैरासोरस की आर्मी लेके जाऊंगा और मुझे लग रहा है कि ये भी मैं थोड़ा सा गलती कर रहा हूँ, क्योंकि आर्मी लेके जाना पिकॉन रिवेंज के सामने एक तरह से भाई बहुत ज़्यादा बड़ी मिस्टेक है। बट फिर भी देखते चलो क्या होता है, जो होगा भाई देखा जाएगा, टेंशन नहीं लेने का। चलो आ जाओ भाई, 450 लेवल का एक और गाइस डिमोनिक पैरासोरस हम लोग ने टेम कर लिया है और अभी हमारे पास अपनी डिमोनिक पैरासोरस की आर्मी जो है गाइस वो आ चुकी है। बाकी गाइस आपको क्या लगता है आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना कि मुझे आर्मी लेके जानी चाहिए या फिर सोलो एक पैरासोरस के ऊपर बैठ के जाना चाहिए। वैसे मैंने मेहनत तो काफ़ी ज़्यादा करी है आर्मी भाई टेम करने में, लेकिन अभी जाके मुझे अचानक से गाइस याद आया टेमिंग करते वक्त कि यार जितनी ज़्यादा बड़ी आर्मी होती है उतना ज़्यादा डिफिकल्ट होता है उस नोवा रिवेंज को, नोवा रिवेंज नहीं पिकॉन रिवेंज को हराना। नोवा रिवेंज की अपनी एबिलिटी थी और पिकॉन रिवेंज की अपनी अलग एबिलिटी है गाइस। देखते चलो क्या होता है, बाकी आप बताना नीचे कमेंट करके आर्मी लेके जाओ या फिर ऐसे सोलो चला जाओ भाई। ठीक है चलो आ जाओ अभी फटाफट से, सोलो मतलब डायनो को, एक ही सिंगल डायनो को लेके। ठीक है ऐसा नहीं कि भाई अकेला जाऊंगा भाई बुक्के मार मार के मारने के लिए। डिमोनिक पैरासोरस, चलो गाइस सारे डिमोनिक पैरासोरस को जो ना बाहर निकाल के मैं आपको हमारी डिमोनिक पैरासोरस की जो आर्मी है ना वो दिखा देता हूँ भाई। ठीक है ये रहा भाई 674 लेवल का डिमोनिक पैरासोरस, ये रहा हमारा दूसरा जो कि भाई काफ़ी पुराना पैरासोरस है 777 लेवल का। ठीक है ये रहा हमारा तीसरा पैरासोरस, अब यार थोड़ा आगे जाना भाई, व्हाट आर यू डूइंग ब्रो। हाँ ये रहा गाइस हमारा तीसरा पैरासोरस, उसके बाद गाइस ये रहा हमारा चौथा पैरासोरस और आखिरी वाला पैरासोरस जिससे हमारी पैरासोरस की आर्मी पूरी तरीके से बन के रेडी हो जाएगी। ठीक है पैरासोरस को कैसे नल्ला डायनो माना जाता है लेकिन प्राइमल फियर में ये बॉस किलर डायनो साबित होने वाला है, बस इसके जलवे देख लेना। सो गाइस ये नॉर्मल से आपको पैरासोरस आर्मी लग रही होगी बट ये डिमोनिक वर्जन है और ये किसी भी बॉस की बैंड बजाने के लिए जो ना गाइस यहाँ पे रेडी है। बाकी मेरे पास थ्रोनी ड्रैगन, सेलेस्टियल फ्यूरॉक्स, रीपर वीपर हर एक डायनो था भाई, खतरनाक से डायनो थे बट सारे डायनो ना नोवा रिवेंज को मारते मारते ही मर गए। अभी थोड़ा सा आप देख ही सकते हो कि हमारा बेस खाली खाली लग रहा है क्योंकि यहाँ पे बंदर बिंदर था, दूसरे डायनोस थे, सारे डायनोस को नोवा रिवेंज के अगेंस्ट लेके गया था फाइट करने के लिए और ए टू जेड मेरे सबसे पावरफुल डायनोस यहाँ पे मारे जा चुके हैं। इसलिए गाइस मुझे एक नई आर्मी बनानी पड़ी ताकि मैं भाई नोवा रिवेंज ने पिकॉन रिवेंज को हरा पाऊँ जो कि अगला वाला बॉस है और लास्ट बॉस है। ठीक है सो ये रही हमारी पैरासोरस की आर्मी। अभी हम लोग को क्या करना है बताएं, अगले एपिसोड में तो मैं कुछ और करने वाला हूँ, उसके अगले एपिसोड में, कल वाले एपिसोड में इसका सैडल असेंडेड करेंगे, इन सारी की सारी आर्मी को हम लोग कर देंगे गाइस यहाँ पे इवॉल्व। यस गाइस डायरेक्टली इवॉल्व करेंगे और उसके अगले एपिसोड में सीधा फाइनल बॉस फाइट ले लेंगे गाइस। ठीक है सो आप बताना गाइस कि आपको हमारी डिमोनिक पैरासोरस की आर्मी जो है ना गाइस वो लगी कैसे। मैं काम कर लेता हूँ, मैं इनके अंदर ना एक्सपी पोशन डाल देता हूँ ताकि इनकी जो मैक्स लेवल है ना गाइस वो यहाँ पे आ सके गाइस। ठीक है मैं फटाफट से इन सारे के सारे डायनोस के अंदर ना डाल देता हूँ दबा के एक्सपी पोशन। ओ गाइज और मैं ऊपर से इन लोग को, अरे यार मैं इन लोग को तो इम्प्रिंट भी तो कर सकता हूँ, अरे ये मैं तो भूल ही गया गाइज मैं इम्प्रिंट कर सकता हूँ। एक काम करने दो भाई। ठीक है ये अपना नॉर्मल पैरासोरस है, रुको आपको जलवा दिखाता हूँ इम्प्रिंटिंग वाले पैरासोरस का। ये नॉर्मल पैरासोरस है, इसका डैमेज देख लेना, हाँ कान फट जाएंगे क्योंकि इसका अटैक इतना ज़्यादा लाउड होता है ना कि कान के साथ साथ भी बढ़ जाती है, समझ रहे हो। चलो आ जाओ एनिमी की, अपनी नहीं एनिमी की, समझ गए ना गाइस। चलो आ जाओ अभी फटाफट से मैं ऊपर चल जाता हूँ और वहाँ पे आपको दिखा देता हूँ इसका अटैक भाई। अभी तो नॉर्मल अटैक दे रहा होगा मेरे हिसाब से, कितना अटैक दे रहा है भाई, कितना है भाई, 5,00,000-6,00,000 का अटैक है। स्पेशल अटैक जो है इसका, उसका डैमेज स्पेशल अटैक का फायर नहीं स्पेशल 1.3 मिलियन स्पेशल अटैक का डैमेज, बट एफएम के मॉड जो है ना गाइस उस रीजन से मैं इसको इम्प्रिंट कर सकता हूँ और एक बार ये इम्प्रिंट हो गया 300 मिलियन हेल्थ भाई, हैं मजाक समझ रख गए हो क्या। अभी डैमेज देखो अपने भाई का, अभी डैमेज देखो भाई, स्पीड देखो स्पीड डैमेज ना, अबे तो डिमोनिक इफेक्ट से मर गया भाई, 4 मिलियन का डैमेज भाई। गाइस भाई गया नोवा रिवेंज गया भाई, गया नोवा रिवेंज भाई, नोवा रिवेंज गया भाई, गई हो नोवा रिवेंज की तो पैंट बच जाएगी ये वाला अटैक। यार इस वाले अटैक का डैमेज नहीं पता चल पा रहा भाई,
2 मिलियन नहीं जाएगा, ज्यादा जाएगा, इतना मेरे को भी बताया भाई, 2 मिलियन नहीं जाएगा, उससे ज्यादा जाएगा। लोगों मेरे बाइट वाले अटैक का डैमेज जा रहा है 4 मिलियन, उसके बाद जो गाइस मेरा फायर वाला अटैक है उसका 8 मिलियन कंटिन्यूस डैमेज जा रहा है। ये भीम के पोशन जो ना गाइस वो पूरा गेम बदल सकते हैं, और भाई बॉस की जो ना गाइस बैंड बजाने में हमारी काफी ज्यादा हेल्प कर सकते भाई। 8 मिलियन, मजाक कर रहे हो? अभी तक पूरे सीरीज में 8 मिलियन का डैमेज किसी भी, मतलब ऐसे बर्निंग डैमेज 8 मिलियन का किसी भी डायनो का गया नहीं, और इसका 8 मिलियन का डैमेज जा रहा है पैरासोरस का इम्प्रिंट करने के बाद। अभी तक तो गाइस मैंने इसको इवॉल्व भी नहीं करा है, जब इसको इवॉल्व करूंगा तो इसका डैमेज और भी ज्यादा तगड़ा वाला जाएगा। गाइस मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अपनी भाई पैरासोरस आर्मी ना भाई वो क्या नाम है उसका, पिकॉन रिवेंज की बैंड बजा डालेगी, वो भी बहुत ज्यादा गंदी तरीके से। आपको क्या लग रहा है बताओ, बताओ गाइस, ये एक पैरासोरस का जलवा आप लोग ने देखा है, अभी बस ये पूरी आर्मी को इवॉल्व करके इनके ऊपर असेंडेड सैडल लगा के इस पूरे आर्मी की पावर में आने वाले एपिसोड में आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है? सो आपको हमारी डिमोनिक पैरासोरस की जो आर्मी है वो गाइस यहाँ पे कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके जरूर से बता देना। अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। सो मिलते सीधा गाइस सबसे अगले एपिसोड में आर्क सर्वाइवल बोल के आर्क प्रामुल फियर हार्डकोर के, तब तक के लिए बाय बाय एंड गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो गाइस, सी यू लेटर, टाटा बाय बाय, गुड बाय मेरे भाई लोग, मिलते सीधा आपसे अगले एपिसोड में, बाय बाय गाइस, सी यू लेटर।